मैम, जैसा कि आपने बताया कि डिपेंड करता है कि हम जिंदगी के कौन से पड़ाव पर हैं, उस अकॉर्डिंग हमें स्ट्रैटेजी अपनानी है फाइनेंशियल प्लानिंग की। कपल्स कैसे प्लान कर सकते हैं? अभी आपने जिक्र किया कि 5 साल 10 साल पहले अगर आप प्लान करते हैं तो कैसे करते हैं। जो कपल्स पहले प्लान नहीं कर चुके हैं किसी वजह से, एक जिम्मेदारी की वजह से या लो इनकम की वजह से, तो वो आगे के स्टेजेस में, 60s के बाद किस तरह से फाइनेंसिस को प्लान कर सकते हैं? अब उम्र के कोई भी पड़ाव पे रहेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग जो हमें करनी है या हमारे फाइनेंसेस जो मैनेज करने हैं ना, उसके बेसिक्स हमेशा हमेशा से सेम ही रहेंगे। यदि आप 60 के ऊपर हैं तो भी कई केसेस में ऐसे होता है कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता, तो आप एक जमा पूंजी रखिए और वो जमा पूंजी फिर ज़्यादा रखिए। ये ध्यान में रखिए कि अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन आया या फैमिली में कोई इमरजेंसी आई तो उसके लिए हमें पैसे रखने हैं। दूसरा, जब हम रिटायर हो चुके हैं या ऑलरेडी 60 क्रॉस कर चुके हैं तो हमें हमारे जो एक्सपेंसेस है उनके हेड्स एक बार रिविजिट करने चाहिए। ओके, मान लीजिए कि जब हम यंग होते हैं हमारे खर्चे कुछ अलग होते हैं, मतलब ईटिंग आउट ज़्यादा होता है, घूमना फिरना ज़्यादा होता है, जबकि हम रिटायर हो जाते हैं तो वो खर्चे थोड़े बहुत शिफ्ट हो जाते हैं। हमारी उम्र में एक ठहराव आ जाता है, वी वॉन्ट टू बी मोर स्टेबल, तो हमारे खर्चे रिविजिट करने चाहिए हमें। उसके बेसिस पे से जितना सरप्लस बचता है, भले फिर वो महीने के 1000 रुपये ही क्यों ना हो, जितना भी बचता है उतना हमें बचाना चाहिए। और जब हम रिटायर होते हैं, भले हमने कोई भी प्लानिंग नहीं की हो, बट जब हम इंडियंस हैं ना, हमारी जो कॉन्जर्वेटिव वृत्ति होती है उस वजह से हमारे पास थोड़ी बहुत तो जमा पूंजी होती ही है, और सबसे बड़ी जमा पूंजी हमारे होती है वो हमारा परिवार है। 60 के बाद यदि हमने कुछ प्लानिंग हमारे खुद के लिए ना की हो, जैसे आपने बताया कि कोई और जिम्मेदारियों की वजह से हम प्लानिंग ना कर पाए हो, मान लीजिए कि भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या खुद के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जिस वजह से हमने खुद के रिटायरमेंट के लिए कभी सोचा ही ना था, तो हम उनकी हेल्प भी ज़रूर ले सकते हैं। और यदि हमें उनकी हेल्प ना लेनी हो, हमें खुद के बलबूते पे ही कुछ करना हो, तो जो भी जमा पूंजी है वो हम अलग अलग जगह पे निवेश कर सकते हैं ताकि हमें उसमें से रेगुलर इनकम आती रहे, थोड़ी बहुत वो जो पूंजी है वो ग्रो भी होती रहे, बिकॉज हमें अभी हमें पता नहीं है कि आगे हम और कितने साल जीने वाले हैं, तो थोड़ी बहुत वो जमा पूंजी ग्रो भी होती रहे और साथ ही साथ वो सेफ भी रहे। तो ये तीनों पहलू देखते हुए हम कई जगह पे वो पैसे निवेश कर सकते हैं। और दूसरा, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे रहें, आप आपके पार्टनर के साथ बैठ के फाइनेंशियल चीज़ें जो है वो डिस्कस कीजिए। हम यंगस्टर्स को कहते हैं कि आप फाइनेंशियल डेट्स पे जाइए, जैसे कि हर 3 महीने या हर 4 महीने में, वैसे भी आप जाते ही हैं बाहर कहीं घूमने वगैरह, होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वैसे भी आप उम्र के इस पड़ाव पे हैं तो क्या हुआ, आप ये कंटिन्यू कीजिए। तब आप क्या करेंगे, आपके आने वाले खर्चे क्या है, आपको कहीं अगर घूमने जाना है तो उसकी प्लानिंग जो भी करनी है उसमें कितना खर्च लग जाएगा, या घर पे कोई ओकेजन आने वाला है तो उसके लिए आपको कितना पैसा लगेगा, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या होता है, वो तालमेल भी बना रहता है और ऑल ऑफ अस आर देन मूविंग इन वन डायरेक्शन, मतलब वो फैमिली को भी पता होता है कि हाँ हमें ये सारी जिम्मेदारियाँ हैं, ये सारी हमारी इच्छाएँ हैं और इतनी अभी तक हमारे पास जमा पूंजी है, तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं तो थोड़ा समय भी साथ बिताना हो जाता है और साथ ही साथ फाइनेंशियल प्लानिंग भी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात आपने बताई फाइनेंशियल डेट्स पर जाने की, क्योंकि जनरली हम अपने फाइनेंस डिस्कस ही नहीं करते हैं। हाँ। हम रैंडम वे में जाते हैं, कुछ भी खर्चा आता है, हम कैसे भी खर्चे करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है अगर हम फाइनेंस प्लान करें तो पहले डिस्कस करें कि हमें किस तरीके से एक स्ट्रेटजी बनानी है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका आपने बताया है। सिर्फ सीनियर टेली पर, अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध